हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चेहरे से झुर्रियों को दूर करने का, चेहरे को टाइट और गोरा बनाने का एक आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके रंग में काफी निखार आएगा, साथ ही आपके चेहरे पर अगर झुर्रियां हैं, बारीक लाइने हैं, तो ये नुस्खा आपके चेहरे को बहुत ही ज्यादा टाइट, खूबसूरत और जवान बनाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को जरूर क्लिक कर ले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां या बारीक लाइनें आ जाती हैं, साथ ही चेहरे पर दाग धब्बे भी आते हैं। मैं जो नुस्खा बता रही हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की त्वचा काफी टाइट हो जाएगी, साथ ही आपके रंग में बहुत ज्यादा निखार आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा पका हुआ केला। केला जितना ही ज्यादा पका हुआ रहेगा आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको पका हुआ केला लेना है और इसका पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। केले में मौजूद विटामिन B6 हमारी त्वचा को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता है, यह हमारी त्वचा को जवान बनाता है, साथ ही हमारी त्वचा को झुर्रियों से दूर रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा के रंग को निखारते हैं, साथ ही इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी त्वचा को टाइट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है और हमारी त्वचा को जवान बनाता है। आपको केले का पेस्ट लेना है। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल इसमें आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो इसकी जगह पर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें जैतून का तेल मिक्स करना है। जैतून का तेल भी हमारी त्वचा को निखारता है, साथ ही यह हमारी त्वचा के बारीक लाइनें और झुर्रियों को दूर करने में काफी मदद करता है। जैतून के तेल के इस्तेमाल से आपकी त्वचा के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है विटामिन ई कैप्सूल, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा जवान बनी रहेगी। इसका सारा ऑयल आपको इसमें इस्तेमाल करना है। विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी त्वचा के रंग में भी निखार आएगा, साथ ही इससे आपको झुर्रियों से और झाइयों से भी छुटकारा मिलेगा। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें, इसे अपने चेहरे पर लगाएं। लगाने के बाद इसे आप लगभग आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दें। उसके बाद आप हल्के हल्के मालिश करते हुए, मसाज करते हुए इसे छुड़ा लें और नॉर्मल पानी से इसे धो लें। यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपकी त्वचा से झुर्रियों को दूर करने में और आपकी त्वचा को टाइट, जवान और खूबसूरत बनाने में। साथ ही इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा के रंग में भी निखार आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।